नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बूट नहीं कर पा रहा, मीन्स वो मैं सामने दिखा देता हूं। ये देखिए, हम लैपटॉप हमने ऑन किया और ये देखिए सामने इस तरह स्टार्टिंग आया। इसके बाद सिर्फ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसके आगे की बूटिंग नहीं हो रही, जबकि इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल है। और ये प्रॉब्लम विंडोज 7 इंस्टॉल है, ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती है बाई चांस यदि आपने सी ड्राइव को श्रिंक कर दिया, उसमें सोचा कि स्पेस है उसको हम श्रिंक कर दें, या अन्य किसी भी रीजन से एरर आ गया है कि आपका बूटिंग नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, इसको ठीक कैसे करेंगे आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हेमेश अपने चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड पे आपका स्वागत करता हूँ और आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इस तरह ब्लिंक कर रहा है, और ब्लिंक कर रहा है तो इसमें आगे कोई भी बूटिंग नहीं हो रही। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी एक बूटेबल सीडी या पेन ड्राइव की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बूटेबल सीडी को यदि लगाते हैं तो सीडी को इंसर्ट करा देंगे सीडी ड्राइव में, और फिर हम उसमें ऑप्शन आएगा, पहले आप यहाँ बूटिंग का वो सिलेक्ट कर लेंगे, और कि आपका यहाँ कंप्यूटर में जाके आप डिले या एस्केप बटन दबा के आप बूटिंग की प्रायोरिटी दे देंगे सीडी ड्राइव। यदि आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव दे देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं सिस्टम को बंद कर देता हूँ और मैं लगा देता हूँ बूटेबल पेन ड्राइव। बूटेबल पेन ड्राइव लगा कर मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ। ये देखिए, हमने सिस्टम को ऑन कर दिया है। सिस्टम को ऑन कर दिया, इस पेन ड्राइव में हमारा बूटेबल विंडो 10 की सीडी पड़ी हुई है। विंडो 10 की इसमें बूटेबल विंडो 10, इस पेन ड्राइव में विंडो 10 का बूटेबल बना हुआ है। यहाँ पर हमें करना क्या है, नेक्स्ट पर करना है। नेक्स्ट पर देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का, हमें इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ पर नीचे रिपेयर का ऑप्शन है, रिपेयर पर हम आएंगे, और रिपेयर पर आने पर यहाँ पर आप देखिए कई ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें आना है ट्रबल शूट पर। ट्रबल शूट पर देखिए क्लिक करते ही इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं मेथड बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक करके हम आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आके यहाँ पर कुछ हम बताएंगे कमांड्स, जिनको टाइप करने के बाद आपको देखना है कि क्या हमारा विंडो वर्क किया या नहीं किया। इस मेथड से शायद यदि छोटी बड़ी एरर जो भी है वो आपका ठीक हो जाएगा, यदि इसको करने से नहीं आता तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सामने इस तरह आ गया है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है कुछ कमांड्स। कमांड्स मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे पहला कमांड आपका टाइप होगा बूट REC डॉट exe स्पेस स्लैश फिक्स MBR, ये करके हमें इंटर कर देना है। ये देखिए कह रहा है द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सेकेंड फिर हम टाइप करेंगे सेम ही बूट REC.exe, फिर स्लैश, फिर यहां पर फिक्स बूट, इंटर करेंगे। देखिए यहां पर प्रॉब्लम कुछ बता रहा है, द वॉल्यूम डज नॉट कंटेन ए रिकॉग्नाइज्ड फाइल सिस्टम, कह रहा है प्लीज मेक श्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम ड्राइवर्स आर लोडेड एंड दैट द वॉल्यूम इज नॉट करप्टेड।
थर्ड फिर हम सेम टाइप करेंगे, बूट rec.exe स्लैश रीबिल्ड bcd, रीबिल्ड bcd, रीबिल्ड bcd, इंटर करेंगे। स्कैनिंग ऑल डिस्क फॉर विंडोज इंस्टॉलेशन, प्लीज वेट सिंस दिस में टेक ए वॉल, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। इससे दोस्तों यदि आपकी कोई माइनर सी प्रॉब्लम है, कोई एरर की वजह से दिक्कत हो रही है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है सक्सेसफुली स्कैन विंडोज इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर हम आउट कर देते हैं एग्जिट। ये देखिए, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट स्टेप लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें मैं सेकंड मेथड यूज करता हूँ करूंगा। यदि आपका वर्क नहीं करता तो उस सेकंड मेथड को आप यूज करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, और यदि वीडियो पर आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।